नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिवनरेश सिंह खंगारुत पे। आज जिस विषय पे, जिस आसन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वज्रासन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी वज्रासन में ही बैठा हूँ, तो आइए जानते हैं कि वज्रासन कैसे किया जाता है और वज्रासन करने के क्या लाभ हैं। सबसे पहले आप वज्रासन करने के लिए चटाई, मैट इत्यादि पे आएँ और पहले इस प्रकार से दंडासन में आएंगे। दंडासन यानी दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लें और दोनों हथेलियों को यहाँ पर शरीर के दाएं बाएं लगाएं, हिप्स के दाएं बाएं, और कमर गर्दन सीधी रखें। ऐसे बैठेंगे, उसके बाद पहले हम अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे घुटने से इस प्रकार से और हिप्स के पास में लगा लेंगे एड़ी को, और फिर बाएं को मोड़ेंगे और इसको भी हम हिप के पास में लगा लेंगे और इस प्रकार से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे तो ये हमारा पोजीशन आ जाएगी। इसको एक बार आप पीछे से देख लें, जब हम वज्रासन में बैठेंगे तो पीछे से कुछ पोजीशन इस प्रकार से रहेगी। ये पोजीशन रहेगी आपका, दोनों अंगूठे यहाँ पर मिले रहेंगे और एड़ियाँ इस प्रकार से हिप्स पर रहेंगी बाहर की ओर। ये पोजीशन रहेगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये आपकी पीछे की पोजीशन रहेगी। पीछे से जब आप देखेंगे तो आप इस प्रकार से रहेंगे, पंजों की ये स्थिति रहेगी। और इसमें एक बात और होती है कि आप चाहें तो, जैसे हमारे दो स्वर होते हैं, दाया स्वर और बायां स्वर, दाया स्वर यानी सूर्य नाड़ी और बायां स्वर यानी चंद्र नाड़ी, तो जो भी नाड़ी आपकी एक्टिव होती है, जो भी नाक आपका सही चल रहा होता है, उस अंगूठे को ऊपर रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका दायां स्वर चल रहा है यानी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आप इस अंगूठे को, दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर इस प्रकार से रखें और ऐसे बैठेंगे। ये पीछे की पोजीशन रहेगी। अब आप देखें आगे से, ये इस प्रकार से हम बैठेंगे, दोनों घुटने यहाँ से मिले रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और दोनों हाथ आपके यहाँ घुटनों पे रहेंगे। और आप चाहें तो, अगर आपको गैस इत्यादि की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, तो आप दोनों हाथों की वायु मुद्रा लगा सकते हैं। वायु मुद्रा का मतलब ये होता है कि जब हम पहली उंगली, जो फर्स्ट उंगली हमारी, उसको इस प्रकार से मोड़ के अंगूठे की जड़ में, अंगूठे की रूट में लगा लेते हैं और तीनों उंगलियों को सीधी रख लेते हैं और हथेलियों को आसमान की ओर कर देते हैं, तो ये वायु मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से बैठेंगे तो ये हमारा वज्रासन कहलाता है। वज्र यानी कठोर, सॉलिड। तो हम वज्रासन इस प्रकार से बैठा जाता है और इसको हम वीर आसन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको वीर आसन कहते हैं, कुछ लोग इसको वज्रासन कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से हम बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और आंखें बंद रखें, चाहे आप खोल भी सकते हैं, इस प्रकार से बैठेंगे तो ये आपका वज्र आसन कहलाता है। इसमें आप शुरू शुरू में, जैसे आपकी आदत नहीं है तो हो सकता है आपसे कम बैठा जाए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट, 15 मिनट तक लेके जाएं। तो ये आपका वज्र आसन करने का तरीका है, इस प्रकार से वज्रासन में बैठा जाता है। अब ये जानते हैं कि वज्रासन करने के फ़ायदे क्या हैं। जब हम वज्रासन करते हैं, ख़ासतौर पे ये कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, आपको ऐसा करना ही चाहिए कि जब भी हम शाम का या दिन का खाना खाते हैं, और अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो आपको खाना खाने के पश्चात वज्रासन में कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। ये एकमात्र आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम बैठेंगे। आप अगर ऐसे नहीं बैठना चाहते तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं। तो ये आपका बैठने का तरीका है और खाना खाने के बाद ये सबसे लाभकारी आसन है। और इसका साइंटिफिक रीज़न है, ये है, आप इस तरीके से समझिए कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हम यहाँ से जब पैरों को, घुटनों को मोड़ देते हैं, इस प्रकार से बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे एक प्रकार का लॉक लग जाता है, ताला लग जाता है। तो जब हमारे यहाँ पर लॉक लग जाता है, साइंटिफिकली आप इसको समझें कि जब यहाँ लॉक लग जाता है तो हमारी बॉडी में तकरीबन, ऐसा कहा जाता है कि 6 लीटर खून होता है, ब्लड होता है, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब हम इस प्रकार से बैठते हैं
और जो 6 लीटर खून है वो इस प्रकार से है कि 2 लीटर हमारा करीब यहाँ, 2 यहाँ और 2 नीचे की ओर होता है। तो जब हम इस प्रकार से बैठ जाते हैं तो नीचे वाला ब्लड है उसको यहाँ लॉक लगने की वजह से सर्कुलेशन नीचे की ओर कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसी प्रकार से आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम इस प्रकार से बैठते हैं तो आपको कई बार लगता है कि हमारे पैर सुन्न हो गए हैं, हमारे पैर सो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि नीचे की ओर बंद हो चुका है या कम हो चुका है, तो हमारे पैर पैर में सूनापन आने लग जाता है। तो जब ब्लड यहाँ का रुक जाता है तो वो ब्लड क्या करता है, इस जगह पे रोटेट करता है, ज़्यादातर इस पेट के या पेट के आसपास के एरिए में घूमेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो अब हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि ब्लड का काम होता है कि यहाँ पर आकर के उसको आपके खाने को पचाता है। तो जब हम ऐसे बैठ जाएंगे तो मैक्सिमम ब्लड यानी 3 लीटर ब्लड आपका यहाँ पर है जो यहाँ घूम रहा है। तो वो क्या करेगा, जब वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट, जब आप ऐसे बैठे हैं तो आपके खाने को बहुत शीघ्र ही पचाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना चाहिए, तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। यानी जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, अगर आपका पेट साफ़ रहेगा, सही रहेगा, गैस नहीं बनेगी, वायु विकार नहीं होगा शरीर में, तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसके अलावा ये आपके, क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं, तो आपके काफ्स के लिए और आपकी थाइस के लिए, आपकी एड़ियों के लिए, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। इनको भी ये स्वस्थ करता है, इनको मसाज देता है, और हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा करेगा, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करेगा, आपकी पीठ को बिल्कुल सही करेगा, तो आपका बॉडी का पोस्चर भी बिल्कुल अच्छा होगा। आपने देखा होगा जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो मैक्सिमम इसी आसन में बैठा करते थे, इसी आसन में बैठ के वो काम किया करते थे, इसीलिए वो इतने स्ट्रांग भी थे। तो जब भी आपको समय मिले इस आसन में बैठने का प्रयास करें, और खाना खाने के बाद आप इस आसन में ज़रूर बैठें। तो ये था हमारा आज का वज्रासन, इसे आप ज़रूर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और मोस्टली लोग घूमने जाते हैं शाम को खाना खाने के बाद, तो अगर आप घूमने नहीं जा सकते तो इस आसन में भी बैठ जाएं, तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आपको घूमने के पश्चात मिलता है, और समय भी आपका कम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, और योग आसन एक्सरसाइज प्राणायाम जो भी है उसको आप प्रतिदिन करें, आपके जीवन शैली में उसको जोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।